बना भी दुआओं से था, ये मुल्क चल भी दुआओं से रहा है और आगे भी इसको दुआओं। यू कैन अफोर्ड टू लूज टुनाइट, नो प्रॉब्लम। वी लॉस्ट टू इंडिया, वी लॉस्ट टू जिम्बाब्वे, यू कैन अफोर्ड टू लॉस्ट अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। इंडिया ये मैच जानबूझकर जाया, ये ज्ञान भंडर साहब कह रहे हैं जनाब आप, और वो कह रहे हैं कि जनाब ये हारा जानबूझ के, उनकी भी यही राय है। तीन स्टंप्स है सामने, हाथों में गेंद है, चार कदम पे स्टंप्स है, उधर से नहीं लग रहा, रोड से नहीं लगा, हाथों से सीधा कैच छूट रहा है, सब जाया कर दिया सब। काफी लोग तो बीच में चलो खुश हो रहे होंगे, ठीक है पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है आपकी फील्डिंग का भी। यस कोहली ड्रॉप, अच्छा फील्डर है यार, यही तो दुख की बात है। जय हिंद दोस्तों, तो चलिए देखते हैं आज पाकिस्तानी लोगों की रिएक्शन क्या है कल के इंडिया के हार के बाद। एक्चुअली ये जो है ये कुछ प्री प्लान था नहीं, ये तो गेम है, गेम में कभी हार कभी जीत होती है, कोई अच्छा कोई परफॉर्म करता है, पर पाकिस्तान इसे अपने इतने पर्सनल लेवल पर लेके गया है कि इनके मीडिया की रिएक्शन देख के तो ऐसे ही हंसी आती है। अच्छा खुद तो हारेंगे पर लोगों को जीतने के लिए बोलेंगे जो उनके लिए है। अरे आप अगर सेमीफाइनल अपने दम पर नहीं जा सकते तो फिर क्यों भारत के पीछे लगे कि भारत जीतेगा तो हम सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर सकते हैं। तो इतनी फनी रिएक्शन शायद इनके वो देख के मतलब बिल्कुल ही हंसी आती है। तो चलिए हम देखते हैं, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर। साउथ अफ्रीका जीत गया जी, बाबरी गंज डीके हर्ट ब्लेसिंग इन डिसगाइज। भाईजान आपके डीके का सुने तो सुने, बैटिंग एवरेज ऑफ दिनेश कार्तिक आज जनाब उन्होंने जो रन आउट वगैरह तो किया ही मिस छोड़े, वर्ल्ड कप में ओडीआई में 7 है, टी20 वर्ल्ड कप में 9 किया है, क्या ऋषभ पंत की इनसे भी खराब है भाई? ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, फॉर हेवन सेक यार हुदा को खिला ले, हुदा को खिला ले। तो हुदा ने क्या किया जी, दो बालों में अंडा। आप वर यू प्रिपेयर, यू कैन अफोर्ड टू लूज टू नाइट, नो प्रॉब्लम। वी लॉस्ट टू इंडिया, वी लॉस्ट टू जिम्बाब्वे, यू कैन अफोर्ड टू लॉस्ट अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। जसविंदर सिंह नंगला साहब कहेंगे तीन रन आउट छोड़ के एक कैच बच्चों वाली फील्डिंग करके, तो ये क्या पैथेटिक फील्डिंग करके ये जीतेंगे यहाँ से? इंडिया ये मैच जानबूझकर जाया, ये ज्ञान भंडर साहब कह रहे हैं जनाब आप, और वो कह रहे हैं कि जनाब ये हारा जानबूझ के, उनकी भी यही राय है। सर रिजवान सर, आई थिंक इट वाज साउथ अफ्रीकास डे टुडे, दे डिजर्व टू विन, दे डिजर्व टू विन, बट देखे आपकी बैटिंग ने बड़ा मायूस किया। एनी टीम वो जिसको इतने ज्यादा चांसेस मिल जाएंगे, आपकी जब 10 पे 40 थे उससे पहले भी उन्होंने रन आउट के चांसेस आपको दिए, उसके बाद भी उन्होंने रन आउट के चांसेस दिए, तीन तीन स्टंप्स है सामने, हाथों में गेंद है, चार कदम पे स्टंप्स है, उधर से नहीं लग रहा, रोड से नहीं लगा, फिर एक पहले मिस हुआ, हाथों से सीधा कैच छूट रहा है, ऊपर से पूरी मेहनत जो बच्चे ने की है सुदीप ने सब जाया कर दिया सब। काफी लोग तो बीच में चलो खुश हो रहे होंगे, ठीक है पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है आपकी फील्डिंग का भी। अगर आपने अक्षर पटेल को सिर्फ इसलिए बार बिठाया कि लेफ्ट हैंडर है तो हुदा से बॉलिंग क्यों नहीं कराई? क्या कप्तानी थी रोहित शर्मा साहब की? कोई नहीं बोल रहा। दिस टीम हैज लॉट ऑफ पुअर फील्डर्स। यस कोहली ड्रॉप, अच्छा फील्डर है यार, यही तो दुख की बात है। किसी और के पास चली जाती ड्रॉप होता कोहली से, जैसे ही देखा नीचे कोहली है आई स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग, वो ऐसे जगलिंग करके वो नीचे पड़ा हुआ कैच। अश्विन को इंडिया में भी सीरीज में मारा था साउथ अफ्रीका ने, तो अश्विन ने क्या अपॉर्चुनिटी नहीं निकाल के दी आपको? अश्विन की गेंद पे कैच नहीं निकला तो कैच तो उसने निकाल दिया ना, नहीं आगे से कैच पकड़ा तो फिर जाहिर है कि 17वां 18वां ओवर है तो स्पिनर ओवर करवाएगा तो पिटेगा। हम आगे जा सके, अब हम अपनी हार का मलबा जो है वो दूसरों पे क्यों डाल रहे हैं? हम तो ऑलरेडी इंडिया पर, साउथ अफ्रीका पर और दूसरी कंट्रीज पर जो है डिपेंड हो गए थे कि ये हारेंगी या इंडिया जीतेगा तो हम लोग आगे जाएंगे। तो आपको नहीं लगता कि हमें खुद अच्छी कारकर्दगी दिखानी चाहिए थी बजाय इसके कि हम दूसरे मुल्कों पे डिपेंड हो जाएं? नहीं देखें आप, ये एक आप वर्ल्ड कप के ये दो जो मैचेस हुए हैं आप सिर्फ ये देख रहे हैं, पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी टीम है, हम इससे मायूसी वो नहीं कर सकते क्योंकि पहले भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं लड़कों ने, यही टीम थी, यही स्क्वाड था, यही लड़के खेलने वाले थे। ये बात नहीं है कि एक दो मैच अगर हार गए आप लोग वर्ल्ड कप में तो आप लोग मायूस हो जाएं। अब देखें आज अगर जीत गए हैं तो इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही होगा या नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह इससे बेस्ट होगा, तो उम्मीद नहीं हारनी चाहिए आपको इंशाल्लाह, बाकी अल्लाह बेहतर करेंगे। मतलब अब पाकिस्तान के कोई चांसेस हैं आगे या नहीं? पाकिस्तान के चांसेस जाहिर है कि साउथ अफ्रीका के हारने से थे, तो साउथ अफ्रीका जीत चुका है तो चांसेस तो कम हो चुके हैं। अगर पाकिस्तान को चांस चाहिए तो आगे बहुत अच्छे मार्जिन और बहुत अच्छे रन रेट के साथ दोनों मैचेस जीतने पड़ेंगे, उसके बाद चांसेस शायद बन जाए, अदरवाइज नहीं बन सकते। सर आपका क्या नाम? मेरा नाम आसिफ है जी।
सर खड़े हो जाएं और मुझे ये बताएं कि आपने अभी पूरा मैच यहां पर मेरे साथ बैठकर देखा, क्या कहेंगे, कहां कहां पर गलती हुई टीम इंडिया, कहां कहां पे वीक पड़ी? इंडियन की जिस तरह की टीम है, जिस तरह का उन्होंने पैटर्न सेट किया हुआ है, उनके लिए मुश्किल नहीं था इसके पिच के ऊपर कोई ज्यादा स्कोर करना। लेकिन ये है कि हर टीम की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, हम इंडिया को ब्लेम नहीं कर सकते। हर टीम चाहती है कि हम बेटर प्लेस लें अपनी वर्ल्ड कप के अंदर, तो मेरे ख्याल में ये गलत बात होगी कि हम इंडिया को ब्लेम करें। सबसे पहले ये है कि हमें अपनी टीम पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, हार जीत गेम का हिस्सा होता है, कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है जब दो टीमें मैदान में जाती हैं, किसी एक ने जीतना है एक ने हारना है। अगर पाकिस्तान इसमें परफॉर्मेंस नहीं दे पाया तो कोई बात नहीं, लेकिन ये मैनेजमेंट के लिए एक अच्छी चीज़ होगी कि वो इनसे सीखें, लेसन लें कि जिस तरह बाकी टीमें वर्ल्ड कप में बेटर परफॉर्म करती हैं हमारी टीम भी करें। उसमें यह है कि हमारा ओपनिंग ऑर्डर जो है ना वो थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, फील्डिंग के हमें बहुत ज़्यादा इशू आते हैं, बॉलर जो हैं वो हम पूरे नहीं रखते। ठीक है, अब फास्ट बॉलर का होना ज़रूरी होता है, हम वो स्किप करके स्पिनर ले आते हैं, तो इस तरह की कुछ डिसऑर्डर्स हैं गेम के अंदर जिसकी वजह से आज हम पीछे हैं। बाकी ये चीज़ नहीं है कि दूसरी टीमों के लिए हम दुआ करते रहें कि ये हारे या ये जीते, चांस होता है, चांस था कि अगर इंडिया हार जीत जाता तो 22 करोड़ आवाम ने इंडिया के लिए दुआएं की थी। लाइफ में पहली बार मैंने यहाँ मार्केट में इंडिया जिंदाबाद के नारे सुनते हुए देखे, इंडिया के लिए दुआएं करते हुए लोगों को देखा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सारी दुआएं उल्टी पड़ गई हैं इंडिया पर। हाँ, वो तो यही मसला है मेरे ख्याल में, आज जितने लोगों ने इंडिया की जीत के लिए दुआएं की हैं, अगर वो अपने मुल्क की बेहतरी के लिए दुआ कर लेते तो शायद हमारा मुल्क बेहतर हो जाता, और उसे था ये मुल्क चल भी दुआओं से रहा है और आगे भी इसको दुआओं की जरूरत है। अच्छा सर, क्या लगता है पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया? ऑब्वियसली अभी तो जो एनालिसिस है उसके मुताबिक तो पाकिस्तान की प्लेस स्पेस जो है वो बहुत वीक हो गई है। हाँ, इंडिया अगर जीत जाता तो कुछ पॉइंट्स की बेहतरी होनी थी, रन रेट की वजह से उसे चांस मिल सकता था, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल हो गया पाकिस्तान के लिए आगे सर्वाइव करना। ये क्या भुवनेश्वर ने किया है? विकेट कीपर क्या कर रहा था? खत्म मैच, फिनिश, टाटा बाय बाय हो गया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप से, खत्म हो गया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप। जब दूसरों से आप उम्मीद लगाओगे कि दूसरे जिसको कहते हैं कि हमें आके बचाएं, तो फिर यही होगा। लेकिन आज दिनेश कार्तिक की परफॉर्मेंस भी देखें आपने, उसने बैटिंग में आके भी कितना अच्छा नहीं किया, बाकी मिस फील्डिंग भी करता रहा, वो विकेट कीपिंग भी उसने इतनी अच्छी नहीं की। विराट कोहली कैच छोड़ रहा है, विराट कोहली सीधा कैच छोड़ रहा है, रोहित शर्मा दो जिसको कहते हैं रन आउट, रोहित शर्मा ने मिस किया, एक तो मुश्किल था, एक तो बिल्कुल सीधा था।